जिला के कलेर प्रखंड के कलेर बाजार में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल काफी लोग इकट्ठे हैं और इनके हाथों में एक पोस्टर है, अरवल की जनता करे पुकार, रेलवे लाइन से जोड़ दो मोदी सरकार, रेल नहीं तो वोट नहीं, अरवल औरंगाबाद पाटलिपुत्रा मांगे रेल, बिहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन में 4,000 करोड़ राशि दो, रेल नहीं तो वोट नहीं, इस तरह करके बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारे साथ जो इसके संयोजक है, जो इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो सबसे आगे आगे इस चीज़ को और इस काम को लेकर के चल रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे आपकी मुलाकात कराएं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी स्वागत है। यह जो लड़ाई है, ये 42 बरस पहले चंद्रदेव वर्मा जी ने छेड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा में 42 साल पहले चंद्रदेव बाबू ने इसको लागू कराया और 16 अक्टूबर 2007 को 27 बरस के बाद आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद ने इसको शिलान्यास करने का काम किया। नीतीश कुमार ने सर्वे कराने का काम किया। रामविलास पासवान जी भी कहे कि रेलवे बनेगा, लेकिन मगध का अरवल जो एक ऐसा जिला भारत के मानचित्र पर है जहाँ रेलवे से महरूम है, रेलवे लाइन नहीं है, हमारे यहाँ सारा रोड खराब भी है, ये रोड पर इतना दबाव है कि चलने का जगह नहीं है। नहीं, आते जाते हमेशा, चूँकि मैं खुद रिपोर्टर हूँ और मैं अक्सर यहाँ का बारे में दिखाता रहता हूँ कि यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन अब जो जैसा कि आपने कहा कि भारत के सरजमीन पर एक ऐसा ज़िला जहाँ पर रेलवे नहीं है, मैं कहूँगा कि मैं चूँकि मैं इस ज़िला का हूँ, रेलवे तो दूर की बात है, यहाँ पर रेल की पटरी तक दिखाई नहीं देती है। तो ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि ना आप किसी पार्टी से हैं, ना ही किसी पार्टी के समर्थन में आप खड़े, आप सिर्फ जनता की आवाज़ बन करके खड़े हैं, तो ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? अभी जो लड़ाई है पैसा के लिए, 9 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट आया, 9 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार सरकार को हम चिट्ठी देते हैं, चिट्ठी दिखाया, बिहार सरकार जमीन प्रस्ताव अधिनियम जो है उसको जारी करे और सभी भू राजस्व जो यहाँ पदाधिकारी हैं वो जमीन का संकलन करे, किस किसान का कितना जमीन है, लेकिन बिहार सरकार नहीं कर रही है। मेरा कहना है केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये फेंका फेंकी बंद करें। अब हमको सीधे कहना है कि आप काम लगाइए। जब आपके पास 1 अरब 20 करोड़ रुपया हो गया तो ये पैसा से अचार लगाइएगा, आप काम लगाइए। जनता काम लगाने के लिए कह रही है, प्रत्येक साल 50 करोड़ और 20 करोड़ की बात नहीं है। इसलिए जमीन अधिग्रहण के सवाल पर कल जो है बिहार विधानसभा का घेराव है 28 मार्च को इस बजट सत्र में, और उसी का हम प्रचार कर रहे हैं और जनता का डिमांड है। अगर निश्चित रूप से 1 माह के अंदर अगर जमीन अधिग्रहण में काम नहीं लगा, अगर रेलवे लाइन में काम नहीं लगा, तो NH 139 सीधे विक्रम से लेकर के औरंगाबाद तक ये जाम करने का काम करेंगे। रेल नहीं तो वोट नहीं, जनता लड़ रही है, अब नेता नहीं लड़ रहे हैं। रेल मंत्री से मांग है और बिहार के मुख्यमंत्री से मांग है कि अधिग्रहण प्रस्ताव जिस प्रकार से आपने हमीदनगर में कराया, रेलवे सोनपुल में अप्रोचिंग कराया, उस प्रकार से विधानसभा से पास करके इसका भू अधिग्रहण चालू करिए और काम चालू करिए रेलवे लाइन। अच्छा, जो आपने कहा कि फलां फलां जगह पर काम हुआ है, तो क्या ये नीतीश कुमार के जो जिस राज्य के वो शासक हैं बिहार में, उनको पता भी है कि अरवल जिला भी है बिहार में? नीतीश कुमार ने 2004 में स्वयं 2 करोड़ रुपया दे करके और इस परियोजना का सर्वे कराने का काम किए हैं, पता तो दूर का बात है। और आप जो पर्चा लेकर के अभी घूम रहे थे उसमें करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया बजट बताया गया। बिल्कुल 4,000 करोड़ रुपया बजट है और मिलता कितना है? आपसे पहले बता दूं, मात्र 323 करोड़ का मामला था। अच्छा। यह जब योजना में प्रकलित राशि 2007 में 323 करोड़ की जरूरत था, अब आज 4000 करोड़ की जरूरत हो गया। ये किसका कमी है? ये केंद्र सरकार की कमी है, बिहार सरकार की कमी है। और आज भी 4000 करोड़ जो है, ये 4000 करोड़ जब रेल मंत्री घोषणा कर दिए 9 तारीख को कि हम 4000 करोड़ देंगे, आप हमको प्रस्ताव भेजिए, तो अब बिहार सरकार को अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं और तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि आपके पिताजी श्री लालू प्रसाद का शिलान्यास किया हुआ है, उन्हीं का बोर्ड लगा हुआ है पालीगंज में, आप इसको प्रस्ताव को भेजिए और काम लगाने का काम करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि हमारे, आप अपना शुभ नाम नहीं बताया सर जी। मनोज सिंह यादव, अरवल। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज जी, जिन्होंने बताया कि अरवल की सरजमीन जो रेल से वंचित है और बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस जिला को आंख बंद करके पार कर जाती है, तो अब यहाँ पर कोई नेता इसके लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि जनता आवाज उठा रही है कि यहाँ पर रेल चाहिए। आप लोग आवाज है ना भाई, रेल चाहिए। आ, 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 आ,
जी हाँ, देख लीजिए ये बिहार सरकार से लेकर के नीतीश सरकार तक के सब लोग, आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से जनता बेहाल है। ये बगल में हमारा 139 गुजर रहा है, ये जो आपकी सड़क है 139, इतना रश है इस पे कि ट्रैफिक के नियम का तो उल्लंघन होता ही होता है, आए दिन कहीं ना कहीं सड़क हादसा पटना से औरंगाबाद के बीच में होता ही रहता है। तो अब जैसा कि आवाज़ हर तरफ से उठ रही है कि अरवल मांगे रेल, तो मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी, आप सबसे हमारी आग्रह है और तमाम जिला वासियों की तरफ से मैं खुद आग्रह करता हूं कि आप हमारे ज़िला को रेल ज़रूर दे दीजिए। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी सेटेलाइट न्यूज़ चैनल पब्लिक।